बॉलीवुड की बिंदु यानी परिणीति चोपड़ा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मेरी प्यारी बिंदु बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही है, लेकिन लगता है उससे परी के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं। सुनने में आ रहा है कि विकास बहल अपनी अगली फिल्म के लिए परी को ऋतिक के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते हैं। विकास परिणीति को प्रोफेशनल फ्रंट पर काफी पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग पर वो फिदा है और उनका ये भी मानना है कि परिणीति के पास टैलेंट का भंडार है। उन्होंने हाल ही में परिणीति से मुलाकात कर अपनी इस फिल्म के बारे में बताया है। अब परिणीति की तरफ से कंफर्मेशन आना बाकी है। जैसे ही परी इस फिल्म के लिए हाँ कर देती हैं, उसके बाद से ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं इस फिल्म में ऋतिक का किरदार सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के जीवन पर आधारित होगा। आनंद पटना में गरीब तबके के छात्रों को IIT की एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं। अभी फिलहाल इस फिल्म का नाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है इसका नाम सुपर 30 ही होगा। वैसे हाल ही में खबर आई थी कि परी अक्षय कुमार के साथ नमस्ते इंग्लैंड में भी नजर आने वाली है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि परी के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।